Subscribe to Zehrenium and click on the bell icon. बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हाँ। अब तक नहीं बना है, बनेगा भी नहीं, हाँ। कोर्ट में केस चलता है, चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी है, क्या कर लिया, पहले भी इतने सिपाही शहीद होते थे, आज भी उतने होते हैं, हाँ। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। वेलकम टू ज़ेरेनियम गाइस, ऑनलाइन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूँ जिशान मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है Any questions, any suggestions, comment down below with the hashtag AskJM. Talent का form नीचे description में। Guys, आज हम लोगों से बात करेंगे कि मान लो अगर शशि थरूर जी देश के PM बन जाएं, तो देश में क्या होगा? So लोगों से पूछते बहुत देश, let's go। तो सवाल ये है कि मान लो कल को शशि थरूर इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए, he will become the PM of this country, according to you फिर देश में क्या होगा? I think he deserves to be a prime ministerial candidate, yeah. He need to open a ministry of literature, you know, separately to understand his language, his lingo. जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया में आज के कॉन्टेक्स्ट में, वो फर्स्टली एप्लीकेबल होगा एग्जैक्ट रूल में, रियलिटी में, इन द रियलिटी से। यार डेवलपमेंट का पता नहीं, बट वोकैबुलरी जरूर स्ट्रांग हो जाएगी हम सबकी। हर पॉलिटिशियन के हाथ में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगी, देश की वोकैबुलरी ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। I think it will change from developing to developed. इंग्लिश बड़ी अच्छा उनकी, एक इंटेलेक्चुअल अच्छा मिलेगा, देश एक नए रूट पे जाएगा, एटलीस्ट वो होगा जो मोदी सरकार के टाइम पे नहीं हुआ। और देश में पकौड़े बनाओ योजना के अलावा और इंग्लिश सुधारो योजना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लोग अपने घरों में बैठ के आराम से टीवी देख के, शशि थरूर जी को देख करके, मन की बात करके इंग्लिश सुधार सकते। पहली बात तो ये है कि आपने क्वेश्चन बड़े लेवल का पूछा है। हम बड़े छोटे काम करते हैं, छोटे काम करता नहीं, गाइस मैं छोटे काम करता नहीं, तो पता ही है। आई पर्सनली फील इज वन ऑफ द बेस्ट थिंक टैंक इन आवर कंट्री। देश का पीएम कोई भी बने, जब तक जनता नहीं सुधरेगी देश नहीं सुधर सकता। इट्स गोइंग टू बी गुड, वी विल बी इवन मोर लिबरल देन व्हाट वी आर टुडे। ओके, एक्चुअली ही इज वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट स्टेट्समैन व्हिच दैट इंडिया हैज ओवर द ग्लोब, आई मीन यू नो एट द इंटरनेशनल फोरम, एट द इंटरनेशनल स्टेज, सो डेफिनेटली ही विल बी एज स्ट्रांग अ पीएम एज वी हैव इवन टुडे। ही हैज वर्कड अ लॉट ऑफ इयर्स इन द यूएन, so that's why he has a little bit of accent which goes towards being an American, yeah. Like an American, yeah. But at the same time he communicates well, I think. But बड़े genuine, बड़े genuine से आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है ना, तो एक अच्छा लीडर होगा तो हम भी उनको फॉलो करेंगे। केजरीवाल वैसा है, मोदी ऐसा है, कोई फर्क नहीं है, सब एक बराबर है, अपना काम ईमानदारी से करो, टाइम पे करो, सबसे बेटर ऑप्शन यही है। हम हरियाणा पंजाब यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लोगों को तो ABCD के आगे के अक्षर नहीं आ रहे, तो शशि थरूर जिस दिन आ गए तो उनकी जो भाषाएं, मतलब जिस टाइम वो स्पीच देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। उन्हें हर चीज़ की मेरे ख्याल से नॉलेज है और एक बेस का जो पकड़ होता है वो भी है, ऐसा नहीं, मतलब जो हमारे प्रेजेंट PM है वो तो नो डाउट है एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, बट शशि थरूर को मेरे ख्याल से हर बैकग्राउंड की चीज़ें पता हैं, नो डाउट उन्हें चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, अपने सब्जेक्ट में तो माहिर रहीं और एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान भी हैं। मैंने उनका सुना हुआ है, लेक्चर सुना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो जब बोलते हैं। तो When he came to Hindu College for the seminar, I just heard about him. He's a very brilliant politician and all. Yes, some media crisis led him into some creepy things about his wife issue. I shouldn't mention it. उनकी knowledge और उनकी वो देख के, मतलब जो भी उनकी vision है, I like his vision as such. It will be good about education system because I think he is the one in Congress to be like a PM. PM candidate apart Rahul Gandhi or any other XYZ. बहुत सारी dictionary बन जाएंगी, है ना? Paper और complicated हो जाएंगे, है ना? Why am I Hindu? Why am I Indian? बुक आ जाएगी उनकी नई, ठीक है, और नए चश्मे बन जाएंगे ऐसे खोलने वाले। ऑलराइट गाइस, ये था हमारा ऐसा हो तो कैसा होगा का एपिसोड। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू ज़ेहरेनियम। और अगर आपके मन में भी कुछ आइडियाज हैं, सम हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हैं अबाउट ऐसा हो तो कैसा होगा, वो भी कमेंट डाउन करो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर विद द नेम ऑफ ज़ेहरेनियम, लिंक आपको दिख रहे होंगे। थैंक यू।